तो अभी इनको कुछ गाना सुनाएंगे भैया, तो पियानो निकाल लिया है। तो कौन सा गाना भाई, कौन सा गाना सुनाओगे? किशोर दा का है, प्यार दीवाना होता है। प्यार दीवाना होता है, चलो। कौन सा स्केल है? अच्छा ओके, बढ़िया। वाह क्या सीन है, मतलब बच्चों से साइकिल किसका ये है, क्या है? अच्छा तो अभी ये साइकिल चला रहा है इतना बड़ा होके। लेकिन एक सेकंड भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं कसौली, और आज मैं और मेरे भैया जा रहे हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, और अभी निकलेंगे, तो ट्रेन से जा रहे हैं हम। तो कैसा क्या क्या रहता है सब बताते हैं हम लोग ब्लॉग में। और अभी हमने कैब कर लिया बुक, तो अभी कैब नीचे आने वाला है। तो अभी हम लोग वहाँ से, जो हमारा कज़न ब्रदर है अर्नव, तो उसको हम लेंगे, पिक करेंगे, देन हम निकलेंगे टुवर्ड्स न्यू दिल्ली। बाकी वो लोग अलग कैब से आ रहे हैं, हम अलग कैब से जाएंगे, तो बने रहो ब्लॉग में। तो इधर कुछ ऐसा है सीन, यहाँ पर एक बैग है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, और एक ये वाला बैग है पीछे, अभी लेंगे अर्नव को। तो पहले फ़ोन करना चाहिए था। आ गया चल। नहीं नहीं मतलब तो यार ये फोन लेके आया है बच्चा लड़का, फोन लेके आया, फोन लेके आया। क्या थक रहे हो, मास्क उतार ले गाड़ी में, पकड़ के रखियो इसको, इसका ये तेरा इतना बड़ा है, ये तेरा लगे जाए, ये सबका नहीं नहीं, सबको मैं लगे, मम्मा और मेरा है। कुछ बोल, कुछ क्या बोल यार, टोपा टोपा गा। यहाँ भैया बड़े तेज चला रहे हैं, ये भी यहाँ पे भैया तो देखिए रेड लाइट, मैं बैठो सामने, पीछे है शुभ्रो, और ये रहा अर्नव गिटारिस्ट। तो गाइस अभी हमको चलना पड़ेगा, काफी जाम लगा हुआ, तो हम लोग यहीं उतर गए, तो अभी लगे लेके चलने गए, चलते चलो। हम लोग अभी पहुंच गए फाइनली, तो ये इसका एंट्रेंस है, और आप यहाँ पे देख सकते हो एक यूनिक चीज मिला है, इतना बड़ा फैन, बट इसका स्पीड नहीं दे रहा इतना, बड़ा स्लो चल रहा है। ये लोग आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अड्डू क्या हाल है? ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो चलो टाइम अभी देखो कितना हो रहा है, 28 हो गया, अभी हम कहते हैं 7:30 हो गया है, 7:33 हो रहा है, और कितने कब है, 10:45 40 पे, बस 10 मिनट है। कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से अपने गाड़ी पर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ट्रेन छोड़ दिया है, तो जो सीट है ना, तो एक तो मतलब यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, तीन आगे तरफ पे है, बिल्कुल मतलब राइट टाइम पे ट्रेन छोड़ा है, 7:40 पे, 7:41 विंडो सीट नहीं मिला हमें। यहाँ पे मासी बैठी है, आप देख सकते हो, ये मैंने जूम कर दिया, और वहाँ पे बैठी है राजू दीदी, और यहाँ मैं, और यहाँ पे बैठे हैं रूपक मिशो, और पीछे बैठे हैं दो बच्चे और एक बूढ़ा बैठा है। क्या बोला तूने? दो बच्चे और एक बूढ़ा बैठा है, बूढ़ा और यहाँ बैठा हूँ मैं, और मिशो है C5 में। हमें मिला है खाना, आई थिंक ये लंच और ब्रेकफास्ट सब एक एक ही टाइम मिलेगा, दो टाइम नहीं मिलेगा, मैंने सोचा दो टाइम मिलेगा, ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही हैं। हाँ उसके पहले उतर जाएंगे ना, हाँ वही दिक्कत। तो इसमें क्या है, एक तो ये मिला फ्रूटी, ये बटर है, और इसमें क्या देखते हैं, आई थिंक इसमें ऑमलेट होना चाहिए, ये ऑमलेट है, और ये ब्रेड है, ठीक है, बाकी केचप दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, और देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो?
देखो ये तो खाते हुए दिखाओ क्या लेके आए। दो चिप्स। तो दोस्तों अभी हम लोग अंबाला स्टेशन में आए हैं, गाड़ी भी बहुत टाइम है पहले आ गई है तो करीब 20 मिनट तक वेट किया, अब 10 अभी 22 में जाएगी। समोसा लिया और एक चिप्स का पैकेट लिया। यो यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी है, एसी में है तो काफ़ी सही लग रहा है, बट ट्रेन के अंदर बिल्कुल चिल्ड है एकदम। यहाँ पे हम जूस पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं और बिना स्ट्रॉ के। हाँ मजा आ रहा है। अच्छा पता है यहाँ पे नहीं देखना होता, इधर देखना होता है। ठीक है ये मतलब ऐसा है कि मतलब कैसे आ रहा है हमारा स्कूल। हम पहुँच गए, ये हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन कालका, हम उतरेंगे। चलिए चलो 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 लगेज ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से टैक्सी करेंगे। टैक्सी कहाँ? टैक्सी स्टैंड फोर आउटसाइड। अच्छा यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, कालका शिमला रेलवे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो गाइस अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, अभी टैक्सी लेंगे तो देखते हैं कौन सा टैक्सी मिलता है। अगर बड़ी टैक्सी मिल गई तो उसमें हम लोग सब लोग आ जाएंगे, और अगर छोटी मिलती है तो फिर हम दो लेंगे गाड़ी। तो अभी हम लोग सब अपना लगेज लेके जा रहे हैं। ये देखो ये दोनों, देखो ये दोनों मतलब चलो आगे चलो। ये देखो यहाँ पे आप टॉय ट्रेन है खड़ी हुई, बट हम लोग इसमें नहीं अब जाएंगे, हम जाएंगे बाई कार बाई रोड। तो क्या लिखा हुआ है, हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस कालकाटा शिमला। तो फिर ये जाएगी शेख शिमला, तो शिमला यहाँ से पहुँचने में आपको लगेगा 5-6 घंटा। तो गाइस आप देख सकते हो कि टॉय ट्रेन का जो ट्रैक है वो कितना छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा है। और ये अभी ये खड़ी हुई है, अभी ये जाएगी शायद। तो गाइस अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिला देखने को, ये है आपका हाइड्रोलिक बफर्स, और ये 1927 में इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया था। और ये आपका क्या है कि यहाँ पे ट्रेन आके रुकती है, आप देख सकते हो ये रहा पटरी, तो वहाँ से ऐसे ट्रेन आएगी आके, ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे रुकती है ट्रेन, ऐसा है ये पीछे से। तो गाइस आप देख रहे हो कि अभी हम लोग सब जा रहे हैं स्टेशन के बाहर, तो जाएंगे ना तो उसमें कितना टाइम लगेगा, दो घंटे के आसपास में आपका टाइम लगेगा। देख सकते हो यहाँ से व्यू पहाड़ का, यहाँ से हल्का हल्का पहाड़ दिख रहा है, और आप देख सकते हो मौसम देखो ऊपर का, अगर कैमरे में आता है तो ये नीचे कितना यहाँ पे धूप है, गर्मी है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ ऊपर तो मौसम बिल्कुल चेंज, एकदम अंधेरा सा हो रहा है, मेघला मेघला हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग कैब में चढ़ गए हैं और यहाँ पे सारे बंदे आ गए, देख दिखाओ भाई ये है टाटा सुमो, यहाँ पे 10-11 जने का सीट है, आगे एक ही जना बैठेगा। लगेज वगैरह जो सीन है वो सब ऊपर है, और यहाँ पे हमें जो मिला ये ऐसे नहीं मिला, ऑटो से लगेज को यहाँ पे लेके आए, फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 12:12, सही है पहले पहुँच गए, थोड़ा पहले पहुँचा है राइट टाइम, सही है। पहुंच गए हम लोग, नाम जल्दी पहुंच गए भाई, पहुंच गए, बैठ बैठ के दर्द हो गया था, पहुंच गए। और ये कुछ जैसा नजारा है यहाँ का, आओ भाई आओ, और कौन कौन आ रहा है? मैं आ गया हूँ। गुल्फ
कार आ गया, दो ही है क्या बस? क्लब कार है, सामान भी है। हम इसी कार से अभी जाएंगे नीचे होटल पर, ठीक है? आप भी देखते रहना। तो अब हमने सारा सामान रख दिया, अब हम लोग इस पे बैठ कर जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट टाइम हमें ऐसा, हम लोग कई जगह पे ट्रैवल की है लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि पहाड़ में हमको जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रखी है वहाँ से लोग गोल्फ कार्ट में लेके जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस लेते बैठ गए हम। आओ भाई आओ, ओए ओए उतरी नीचे आए काफी। हाँ थोड़े कुछ भी देखे हमने, काफी नीचे है ये जैसा जा रहा है अलग ऐसा लगता है पैसे कैसे। हाँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, काफी नीचे है, बहुत नीचे है। ऐसे कुछ आ रही है, बढ़िया बढ़िया नज़ारे संभालो अगर उसी शोर से वक्त नहीं। फाइनली नीचे आ गए। अच्छा और नीचे है, ओहो हो यहाँ पे ठीक है, ये स्मूथ है। हाँ कालका स्टेशन से इस रिज़ॉर्ट आने के लिए दो तीन ऑप्शंस हैं, जैसे टैक्सी है, वो टैक्सी अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप टैक्सी ले सकते हैं, वो उसका जो रेट है वो 1500 और 1500 रुपीज़ करके है। और जैसे ट्रेवेरा है उसके लिए बड़ी फैमिली के लिए जिसमें 7 या 8 लोग हैं वो लोग लेते हैं 2400। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो लोग आपको छोड़ेंगे कसौली बस स्टैंड पर, और फिर बस स्टैंड से कसौली हिल रिजॉर्ट आने के लिए आपको अलग से टैक्सी करना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग 8 जने थे, 2 बच्चे और 6 एडल्ट्स हैं, तो हमें एक बाहर से सुमो मिल गया, जो जिसने पहले बोला कि 3000 रुपये लेंगे, फिर आने के बाद उसने बोला कि काफ़ी दूर है और ट्रैफिक है, इस वजह से उसने 200 रुपये हमसे एक्स्ट्रा मांग लिया, तो हमें 3200 रुपये देने पड़े। सो 3200 का ये मतलब वहाँ से लेके स्टेशन से लेके स्टेशन, बट वहाँ से ना क्या बोलते कि आपका वहाँ से लगेज के लिए हम लोग अलग से गए थे, मतलब वहाँ पर टैक्सी नहीं आ रही थी तो ऑटो करके गए थे वहाँ से, तो वो तो मैंने बताया था। और बस अभी देखते हैं अंदर का रूम वगैरह कैसा है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा व्यू दिख रहा है मुझे। आपका नाम क्या है? आप लेके आए थे ना हमें? हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश, ये इन्होंने ही हमें चला के लेके आते ये सारे सामान, और हम आए थे इसमें तो काफ़ी अच्छा चलाया इन्होंने। जा रहे नीचे कुछ ऐसा है, हाय कर दो, हाय करो, हाय करो, चिल्ला मत। हाँ ठीक है, तो ये है कुछ ऐसा रूम। ओके तो ठीक है, ये बेल्कनी है भाई, तो ये सारे बेल्कनी यहाँ पे, ये दूसरा रूम का है, वो दूसरा रूम का है, वो दूसरा रूम का है, ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे ये मिरर है और ये मैं हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। माइक उल्टा है बाय द वे। ओह चलो सही है। तो गाइस ये वॉशरूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टॉवल मिलता है, 2 टॉवल, 1 हैंड टॉवल, यहाँ पे शावर कैप, ये फॉर्म है, आई थिंक ये मॉइस्चर होगा, लोशन है, कुछ शैम्पू है, एंड पानी आ रहा है। ओह भाई ये सोप, एंड आपको यहाँ पे हेड है, सही है, जो अच्छा है। टीवी है, कवर्ड मिलता है इधर, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, सही है। लॉकर भी है यहाँ पे फॉर सेफ्टी, और ये सब दिया हुआ है, चाय वगैरह, पानी वगैरह। चलो भाई अब नेक्स्ट रूम देखते हैं। देखो इन्होंने ट्री को सेव करके फिर ये रूम बनाया, देखो इसको काटा नहीं, यहाँ से ये पेड़ जा रहा है ऊपर की तरफ, और भी ये भी है, एक ये भी है यहाँ पे, कई सारे हैं आई थिंक। चलो और ये नहाने का अलग, गिर गया ना, ले। और दूसरा रूम ये है, ये से ये बड़ा है, ये इसी चला दिया, हाँ चला दिया, चला, ओ भाई इतना बड़ा टीवी, सर मेरा टीवी
तो ये जो दूसरा जो रूम है तो ये उसका बालकनी है, तो बालकनी से बाहर ये आपको यहाँ व्यू मिलता है, पेड़ ही है बस खाली और कुछ नहीं है, और पीछे एक मतलब पहाड़ है और अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। को सेफ किया है। चलो यार पहले खाना खीने, हाथ मुंह कैसे धो यार, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वॉशरूम है तो मैं लग रहा था ये एसी लग रहा था। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो वॉशरूम का में जो दिया है वो आई थिंक कुछ अलग है, इसमें डेंटल किट दो है, शेविंग किट है, कॉम है और ये नहाने के लिए। अच्छा बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। और यहाँ पे टीवी है, स्मार्ट टीवी। ये है हमारा फैन का, कम करने का, बढ़ाने का, और ये लाइट ऑन का है, सब टच है ये, सब टच। आपका रूम मैंने नहीं देखा कैसा है रूम, हाँ चल देख लेते हैं। वो खेलने का एरिया है, उसमें जाएंगे बाद में। ये है शुरू खेलना, खेल 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 आते, अबे ऐसे नहीं खेलते, पैसा बर्बाद। वाह क्या सीन है, मतलब बच्चों से खेल, किसका ये है क्या है? तो अभी ये साइकिल चला रहा है इतना बड़ा होके, लेकिन एक सेकंड। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। हाँ सही बोलो, उसमें हवा भी नहीं ना है, उसके ब्रेक्स काम। अभी ये वहाँ से ऐसा आएगा चलते हुए, ये बात जम गया, गेम जम गया, जम गया, ए हार गया। हम वैसे यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए, बट ये देख के लोग सब खेलना शुरू कर दिया, भूख लगी है बड़ी तेज, अभी खाएंगे या कुछ, और मुझे थोड़ा फ्रेश भी होना था। ये सही हुआ है। तो अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया लंच, तो उसमें रोटी चिकन वेज आइटम सब मंगाया, तो बड़ी भूख लगी है, खाएंगे इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, मिलते हैं खाने के बाद। करती क्या तो मिलते हैं हम लोग खाना खाने के बाद, और यहाँ पे फिर से हो गई शुरू बारिश। हाँ बारिश का मजा लगे, हम लंच करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग लंच कर लिया है और अभी कुछ देखते हैं यहाँ पे कुछ है खेलने वगैरह का, क्या है क्या क्या है बताओ, आप बताइए हमें। मेनली उस साइड और इस साइड कॉटेज जैसी है, ये एक छोटा सा प्लेग्राउंड टाइप है, इधर आपके पास स्विंग्स है और वो है, बाकी है? फिर मेनली कॉटेज जैसी है, और वो एक पॉइंट है, उधर से व्यू देख सकते हो, ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट है और वो और रहा एक और कॉटेज। इसे सब पता है क्योंकि ये पहले आ चुका है यहाँ पे, मतलब पहले आ चुका मतलब लंच करके रेडी। अच्छा तुमको हम लेकर चले अपने में, अपनी दुनिया में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। प्रिंस भाई अकेला क्या कर रहा है यार, बैठता हूँ, एक चीज करना है मुझे। तो गाइस ये एक मैं चीज कर रहा हूँ, आप बताना ये कैसा लगता है, ठीक है देखने में। अब ट्राई करना एक बार, देखो कैसा कैसा आ रहा है, ठीक है रेडी स्टार्ट। क्या अच्छा ये खा रहे हो? हाँ अभी मैंने इसको उठा दिया है। किसको उठाया मैंने इसको नहीं उठाया, मैंने उठाया इसको। अरे बेटा डीएसएलआर में हाथ में, डीएसएलआर को देखो ये कहाँ चढ़ गया ऊपर, ये जोर लगा रहा है। यहाँ पे कोई चील वगैरह कुछ नहीं है, जो ड्राइवर था जहाँ से हम लोग आए हैं मतलब रेलवे स्टेशन से जो आए हम लोग, वहाँ पे जो बोला था उन्होंने चिल नहीं है, गर्मी लग रही है, गर्मी बोले आप रह नहीं पाओगे, हाँ इतना चिल था क्या? हाँ भाई उतना नहीं है चिल्ड, मतलब ओके ओके है वेदर, बाकी शाम को देखते हैं, शायद शाम को शायद थोड़ा ठंड ठंड लगे। हाँ वीडियो करते करते तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ, थोड़ा यहाँ फोटोग्राफी कर लिया, पता उतना खास फोटो आ नहीं रहा है यहाँ पे, मैं वीडियोज में डालूंगा कुछ कुछ फोटोज।
इस तरफ से। चलो भाई ये है शॉर्टकट, मैं तो घूम के आया है। बैठने का ही है, बैठने का ही होगा इधर तो, और क्या बैठने का ही है यहाँ। देते साफ सफाई, साफ सफाई हो जाए इधर, वो जंगल ही जंगल है। मिरर है, दिख रहा है। अच्छा अंदर काम चल रहा है। सो गाइस अभी हम लोग उठे हैं थोड़ा सा, मतलब मैं उठाऊँ सो के, और ये लोग गए थे खेलने, बाकी अभी थोड़ा वो स्नैक्स वगैरह किया था, और अभी चलते थोड़ा बाहर देखते हैं। अभी तो वैसे भी टाइम हो गया, कितना हो रहा है टाइम, 8:41। अभी देखते हैं बाहर, उतना सही नहीं आएगा अभी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई। अभी हम मॉम से बात कर रहे हैं, मतलब वीडियो कॉल में। हाय कर दो, हाय करो। हाँ यहाँ पे सारे बच्चा अच्छा है, ये जगह बेल जैसे बेल बजाए ना तो ऐसा आएगा। चलो देखो रात का तो भाई ऐसे ही सीन है कुछ यहाँ पे। देखो तो रूम तक वो रहा हमारा रूम, और अभी जा रहे हैं। ये शॉर्टकट है, हम लोग पहले यहाँ से गए थे ऐसा करके, तो दिखेगा नहीं अभी। और ये जो ये रास्ता है ये शॉर्टकट है, ये नाइट व्यू है यहाँ का, नाइट व्यू। वाटरफॉल हो रहा है छोटा सा, क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे बैठ के अड्डा चल रहा है, अड्डा बातें बातें चल रही है इनकी। ये भी अच्छा लग रहा है लाइटिंग वगैरह। यहाँ पे एक छोटा सा बार है जो दिखाता, दिन में दिखाता जो वो है, और यहाँ पे लाइटिंग कर रखा है इन लोगों ने। और यहाँ का रेट वगैरह क्या है सब बताएंगे हम ब्लॉग में। काफी आवाज कर रहा है ये, बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा है। ठीक है तो गाइस अभी हम लोग सोने जाएंगे, और हमारा खाना वगैरह सब हो गया, डिनर कर लिया हमने, और सही था डिनर। खाना यहाँ का टेस्टी है, और बाकी इसका जो यहाँ का जो रिव्यू वगैरह मैं दूंगा, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। और ये तो सुनने लग गया शायद, एंड अब तो बोल हो गया बिल्कुल। चलो ठीक है, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम उठ गए हैं, फ्रेश हो गए, अभी टाइम हो रहा है आपका 9:49। सो ब्रेकफास्ट अभी हमको मतलब बाहर मिल रहा है, तो वो 10:30 तक है, फिर हम खेलेंगे शायद, देखते हैं क्या करते हैं, और फिर निकलेंगे मतलब घूमने के लिए। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है, ब्रेकफास्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो वही देख, गुड मॉर्निंग, কেমন আছো? কেমন ঘুমালো? খুব ভালো ঘুমালো, ঘুমাবার পরে আর বুঝতে পারলাম না কি হলো, কিন্তু বিছানাটা ঠিক না, কোমরে ব্যথা। क्या क्या है ये तो? ब्रेकफास्ट में है ये सब, चोरा केक वगैरह है, ब्रेकफास्ट में ये भी है, पुलिंग। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कि ब्रेकफास्ट के बाद इनको चैन नहीं है, शुरू हो गए ये लोग खेलना बैडमिंटन। बड़ा अच्छा यहाँ पे अभी लग रहा है, सुबह का टाइम है, और यहाँ पे राजू दीदी साइकिल चला रही है, और ये दोनों तो भाई खेल रहे बैडमिंटन, और यहाँ पे एक बच्चा जंपिंग कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं झूले पे, और यहाँ पे मासी यहाँ बैठी हुई है, और यहाँ पे रूपक मिश्रो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कल भी यहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट, और ये दोनों तो स्टिल प्लेइंग, बैडमिंटन छोड़ दिया और इसमें आ गए, बढ़िया ये लोग खेल रहे मस्त, सही खेल रहे वैसे। ये हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से इसका व्यू है।
अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ से काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टेड का हुआ ट्रेड बने लोग आंतु फांतु बातें कर रहे हैं। ये झूला है, ये देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पाइन ट्रीज है, ये ऊपर चारों तरफ पाइन ट्रीज है, चारों तरफ है पाइन ट्रीज। We are still playing the game, man. ये दोनों वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मौसम अच्छा हो रहा है, आज धूप नहीं है, हल्की हल्की हवा चल रही है। Rolling. गाइस देख सकते हो यहाँ पे लगाई है। तो गाइस अभी हम लोग खेला थोड़ा बहुत और ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे ऑप्शन थे इसमें। कैसा लगा भाई ब्रेकफास्ट? भाई ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था। यहाँ से वो जो है वहाँ से आके आ देंगे। कहाँ जाएंगे? कसौली। अच्छा वहाँ पे क्या क्या घूमेंगे? वहाँ पे हम देखेंगे सनसेट पॉइंट, मॉल रोड, समोसा, कूपन, बर्गर खाएंगे। अच्छा और चर्च जाएंगे। चलो सही है, तो मजा देंगे इन दोनों को देखेंगे। ऐसे कैसे सो गए भाई? बुकल लगा। अच्छे तो गाइस अभी हमें एक भाई साहब मिले, तो नहीं नहीं कॉपीराइट नहीं आएगा। तो अभी इनको कुछ गाना सुनाएंगे भैया, तो पियानो निकाल लिया है। तो कौन सा गाना भाई, कौन सा गाना सुनाओगे? किशोर दा का है, प्यार दीवाना होता है। प्यार दीवाना होता है, चलो। कौन सा स्केल है? एफ शार्प। ओके बढ़िया, चलो खड़ा के घर बना देता हूँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार, आज गुन 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 कुंजे अमर। क्या बात, क्या बात, एकदम शुरू। तो भैया ने अभी गाना गाया, अभी मेरी बारी गाने की, तो एक गाता हूँ। मुकेश आनंद मूवी का ना? आनंद नहीं, आनंद, हाँ आनंद, राज खन्ना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँच की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँच की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, आमाय प्रश्न करने ध्रुव तारा, तार कत कारण रब दिशहारा, रब दिशहारा। कभी यूं ही जब हुई
बोझल सांसे भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आके तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सो अभी हमने पोजीशन चेंज कर लिया अपना, क्योंकि वहाँ पे काम वगैरह चल रहा था। तो अभी और एक गाना, कुछ नया गाना सुनाओगे अभी? चलो। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितने भी हो दूरियां फिलहाल है। बिन तेरे मधम मधम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना संग मरमर कि ये मीनारे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा, कि कोरे तो के बोलबो तुई के आमार। तो अभी हम जा रहे फ्रेश होने और तो गाना वाना गाया, और अभी देखते हैं आसपास क्या क्या है, हमें क्या 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 मिला है। हमें एक नई चीज मिली है। तो क्या नाचो मैं? ये पेट से जरा एक बहुत सारे गिरते रहता है ऐसे। अच्छा, इसके अंदर एक रोबोट टाइप चीज होती है। तो चलते हैं रूम की तरफ। ये बोलते हैं ना कि होटल से यहाँ पे पेट को बहुत सही तरीके से बचाया गया। अच्छा, हमको सिखा रहा है। बोल दिया? हाँ, ये तो बोला था मैंने, तभी बोल दिया था, बट और एक बार बोल दूंगा। कितना दम है इसके अंदर। तू ऐसा तो है, रेडी हो गए? रेडी नहीं हुए अभी तक? तो मिस हो गया तो हो जा रेडी, हम तो हो ही गए। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस अभी हम लोग हो गए तैयार, और अभी देखो दोनों का सेम थे, बस ये रंग चेंज है, हल्का सा डिफरेंट है। हाँ ठीक है। और अभी हम लोग जाएंगे, और मैं क्या कह रहा था, अभी हम लोग जाएंगे लोकल पॉइंट रिजॉर्ट से 7 किलोमीटर अभी दूर है कसौली। वहाँ पे कुछ मतलब लोकल पॉइंट है, एक कैंट एरिया है, एक मंकी पॉइंट है, चर्च है, मॉल रोड है, तो वो सब घूम के फिर हम लोग शाम तक आ जाएंगे। मौसी जी हो गए तैयार, छोटी बच्ची हो क्या? और ये हमारा मिशो, ये हाँ ठीक है ठीक है, तैयार है ठीक है। अब भाई आप भी आ जाओ। ये दोनों पहने वाइट। हाँ, इन दोनों ने वाइट पहना है, हमने भी वाइट ही पहना है। सही सही आ रहा है। चलो बड़ा हरामी हो बेटा। अब हम जाने की तैयारी में। तो ये भी रेडी है। क्या हाल चाल है, कैसे लग रहा हूँ मैं तो बताओ कमेंट में यार। ये देखो कैसे लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, नहीं लग रहा? सही है ना। चलो एक बार रिफरल में अभी आ जाओ भाई। अर्णव देख, तो थोड़ा बहुत फोटो वगैरह खींचा हमने अभी, और अभी जा रहे क्लब कार में जा रहे हैं। मेरे साथ देखो कौन चला रहे, ये चला रहे अभी, और बाकी पीछे बैठ रहे लोग। ये पहले तो आए थे, ये नीचे से आए थे, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कार है, ये कार टाइप ही है ना, तो मुझे देख के लगा था ये गोल्फ कार ही है। भैया भी धक्का मार रहे हैं इसको, यहाँ से बैटरी खत्म हो गई थी। तो अभी ये ब्रेक मार रखा है यहाँ से, देखो भैया लेके जा रहे हैं। बढ़िया चढ़ाई है ना, अगर नीचे होता तो हो जाता, नीचे तो चलाना नहीं पड़ता। आ गए यहाँ पे तो स्मूथ चलेगी। तो गाइस पहुंच गए हम लोग मंकी पॉइंट। हाँ अभी आगे जाना है और चल के जाना है। हाँ आगे चल के जाना है। और यहाँ पे पार्किंग है, मतलब गाड़ियाँ सारी यहीं खड़ी हुई है।
तो ये वही जगह है जहाँ पे हनुमान जी का फुट टच हुआ था। और आप आगे देख सकते हो यहाँ पे वायुसेना है, एयरपोर्ट से यहाँ आगे तो फोटोग्राफी करते ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या कौन सा गाना गा रहे हो? तो गाइस अभी हम लोग मंकी पॉइंट के वहाँ से आ गए और ये पीछे का था गेट जहाँ से हम लोग एंट्री किया था, यहाँ पे अलाउ नहीं था, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया था और ये है वो जो गेट जो शुरू हुआ था यहाँ से। तो वहाँ पे तो सही था है ना, काफ़ी कैसा लगा लड्डू? अच्छा था ना। 500 मीटर तक है उधर और बंदर वगैरह कमी थे, लेकिन दो एक बंदर स्टार्टिंग में मिला था जिसने मेरे मामा यानी बुबू मामा के पैंट पूरे चेक किए, पॉकेट पूरे चेक की, फिर मिला नहीं कुछ। वो अच्छा है कि नहीं कुछ मिला नहीं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ठीक है, और बाकी मैगी वगैरह खाया था हमने ऊपर जाके, सही था, 50 का था मैगी। क्लाउड्स बहुत थे ऊपर, क्लाउड्स थे, ठंड था, ठंड थी, हवा चल रही थी। हां डॉगिस था हर बार जरा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे दूसरे पॉइंट पे और वहाँ पे जो था वहाँ पे फोन वगैरह रखने का जो था उसमें आपको पैसे देख के रखना पड़ेगा। तो हमारा टोटल बना था 220 रुपये बना था, तो मतलब डिपेंड करता है आपके पास क्या क्या है, तो उस हिसाब से वो लोग रेट लगाते हैं। जितना ज़्यादा टाइम होंगे उतना ज़्यादा हाँ होगा। तो हमारा तो 7 फोन थे हमारे पास और बाकी कैमरा था, बैग वगैरह थे, बैग वगैरह था, खाना वाला। बस लाइक करो भाई, मैंने मेहनत से वीडियो बना रहे तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे थे? लाइक करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वहाँ से हम बाइक कार आए और यहाँ पे मार्केट के सामने हमको ड्रॉप कर दिया एंड यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं हम लोग गिलबर्ट ट्रेन। तो वहाँ पे एक मतलब नेचर वॉक टाइप है, ये दिखा दे रहा हूँ। तो अभी एक रास्ता दिखाता हूँ, देखिए तो स्मूथली आ रहा है वो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है देख सकते हो। तमियामा दिल्ली में भी है ये, ऐसा भाई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हम अभी यहाँ पे जाएंगे, क्या कर रहा है लड्डू? तो हम लोग वहाँ से चलते हुए आए थे ना, तो आप देख सकते हो ये है सनसेट पॉइंट। कर 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 कोई कर, ये बंधन तो प्यार का बंधन। अरे कहना क्या चाहते हो? आएंगे यार। ये देखो अभी जो सन है ना, सन आपका अभी यहाँ पे है, तो इसको नीचे आते आते बहुत टाइम लगेगा, सनसेट पॉइंट होते बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग बैक कर रहे हैं अभी क्योंकि आगे जाए कुछ है नहीं, वो लोग गए थे फिर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फ़ायदा नहीं है कुछ चल के, क्योंकि जितना हम लोग चल के आए ना यहाँ तक उसका डब वैसे ही वैसे करना पड़ेगा। और उसके बाद मार्केट भी जाना है, चर्च वगैरह भी है, 7 बजे तक जाना है, तो ज़्यादा टाइम लेगा। सो गाइस वो वाला जो था ना, वो पॉइंट जो सनसेट पॉइंट था, वो सस्ता वाला था, मतलब कि सस्ता मतलब कि वो नहीं था, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, आ गया था वो, पता चला बाद में, तो आगे हम गए नहीं और पैर थक गया भाई। तो हम लोग वहाँ से स्ट्रेट आ गए नीचे मॉल रोड में, तो ये पूरा मतलब मॉल रोड है, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभी बैठ के मतलब खाएंगे। तो ये है चर्च, करेगा ब्लॉगिंग करेगा, ले पकड़, गिरना नहीं चाहिए, टाइट से पकड़े उसको। हाँ कर, क्या बोलो, बैक साइड देखो, ये देखो इनका, अरे कहना क्या चाहते हो, इनका भी फोटोग्राफी चल रहा है। वो
वो पार्किंग राइस डबल, वो पार्किंग देखो डबल पोस्ट बना लिया आप लोग। ओदिक ऐसे ढलन दो, आप आटा क्रॉस करो। अच्छा हमको सिखा रिया है ऐसे। गाइस अभी हम लोग मॉल रोड से कुछ खा पी के एकदम स्नैक्स करके हम लोग आ गए। हम लोग होटल के बिल्कुल बाहर है, अभी क्लब कार आएगा। हिल्स रिसोर्ट, कसौली हिल्स रिसोर्ट है। तो एक काम करो इधर। हाँ तो गाइस आज मेरे साथ एक अच्छा सा इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ क्या हुआ? मतलब ये और ये भैया ये लोग आइसक्रीम खाकर जा रहे थे। अच्छा अच्छा जी। हाँ रास्ते में उसी टाइम एक बंदर आके इसकी आइसक्रीम को छीनने लगा। इस बेचारे ने उस अपना ही उसने आइसक्रीम का नहीं ये उस बंदर को खाने दिया आइसक्रीम। इसने पास के गड्ढे यानी नाले में वो आइसक्रीम फेंक दी। अच्छा और उस बंदर का मुंह लटक गया बेचारा। उल्टा दी इसने। या फिर तू हाफ ऑफ कर लेता उसको। हाँ नहीं 50-50 कर लेता। 50-50 कर लेता। सोच देखो नाइट में हम लोग अभी जा रहे हैं, भैया चला रहे तो वो साइलेंस है, कितना कट लेंगे यहाँ से ऐसे। ये है रास्ता थोड़ा सा कोई ऐसा लगता है थोड़ा जगह में हल्का हल्का जगह में लाइटिंग वगैरह है। वे भी आ गए फिर से। तो चलो आ गए आ गए आ गए हम लोग आ गए हैं रूम पे। अभी रेस्ट करेंगे और फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे खाना खाने डिनर। बोल रानी जा रहा। तो ये जो है ना ये अर्णव ये तो फ्रेश हो गया एकदम। और अभी हम जाएंगे, अभी मीशो गए हुए तो अभी हम होंगे फ्रेश। तो तब तक हम आपको बताते हैं कि इस कॉटेज का जो मतलब रिव्यू है कि हमको ये कैसा लगा तो एकदम बिल्कुल मतलब जेन्युइन आपको हम देंगे रिव्यू। तो देखो यहाँ पे पीस ऑफ माइंड के लिए तो ठीक है, बेस्ट है, लेकिन ओनली फॉर टू डेज या वन डे के लिए। एक दिन आओ मतलब स्टे करो एंड नेक्स्ट डे निकल जाओ। और बाकी यहाँ का जो खाना है ना वो महंगा है मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है। मतलब लाइक रोटी वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा अबे जो रोटी वगैरह है जैसे नान हो गया था वो रोटी काफी महंगा है। तो बट वो जो होता है क्या बोलते है मतलब मेन कोर्स का लाइक चिकन करी है उसमें फिर कबाबदार है करी है तो ये सब ठीक है तब भी रेट मतलब। और बट हाँ बट खाने का जो मतलब टेस्ट है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। और ब्रेकफास्ट हमने किया था वो भी काफी मतलब काफी सारे ऑप्शन थे आप लोगों ने देखा। से आज हमने ब्रेकफास्ट किया, कल का जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो अलग रहेगा, उसमें भी नॉन वेज और वेज दोनों रहेगा। ऐसे मतलब यहाँ पे जो कॉटेजेस है मतलब काफ़ी सारे रूम मिल जाता है, जैसे ड्यूलक्स मिल जाता है, प्रीमियम मिल जाता है, फिर डुप्लेक्स भी मिलता है तो उनके रेट्स अलग है। तो हाँ प्रीमियम प्लस भी रहता है, इनके जो रेट्स है अलग अलग है। जैसे मैं बताता हूँ आपको रेट का क्या है। ये वाला जो है जिसमें हम ठहरे दो लिया ना हमने, तो ये वाला जो है ये 7000 का पर डे का है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और एक जो है वो है आपका 10000 का वन डे का। तो वो एक्चुअली हम लोग उनको दोनों ही लेना था बट मतलब सारे कॉटेजेस फुल थे इसलिए मतलब एक ये लिया और एक मिला नहीं था तो दूसरा हमने लिया। तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है बट वो तो देखा आपने कमरा जो देखा था आपने स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा अच्छा है वो। वहाँ पर स्मार्ट टीवी मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता, बाकी लगभग सेम है। और अगर आप जैसे ये भी सीज़न में है तो रेट ज़्यादा है, अगर आप लोग ऑफ सीज़न में होगे तो रेट मतलब जैसे वो 10 है तो उसका वक्त कम में मिलेगा। जैसे ये 7 में है तो ये आपको मिलेगा कम रेट में, 3 में मिल जाएगा, 3 में 3-4 तक मिल जाएगा। अब क्या कर रहा है यार, छोटी बच्ची हो क्या, वही पूरा डाउन करवाना है क्या? रुको क्या डाउन करवाना है। दो था कॉटेजेस हमने लिया था बट उसमें तो अलाउ नहीं है ना, मतलब इतना जाने बच्चा अलाउ है ठीक है। तो हमने क्या किया था दोनों रूम में अलग अलग बेड ले लिया था तो पर बेड का छोटी बच्ची हो क्या बोलने नहीं दे रहे। तो उसका जो रेट हमें पता है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सब कुछ इसको पता है। बोल इफ यू वांट टू बाय एक्स्ट्रा बेड इन योर रूम्स एट लीस्ट यू हैव टू पे 1500 पर डे व्हिच इंक्लूड ब्रेकफास्ट आल्सो। ओके सो अर्णव इज वेरी स्मार्ट बॉय। गाइस मैं जो बता रहा था आपको जो 1500 का जो होता है वो आप कोई भी रूम अगर लोगे तो आपको यू हैव टू पे 1500 जो कि मतलब कोई भी ड्यूलक्स हो या मतलब प्रीमियम हो या वैसे नॉर्मल हो तो आप कोई भी लो तो आपको 1500 पे करना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा बेड अगर लेना हो तो, अगर नहीं लेना तो भैया विद
ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग फ्रेश हो गए, अभी हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और डिनर करके सीधा सो जाएंगे, बिल्कुल थके हुए बिल्कुल। और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। सो डे 3 रहेगा हमारा, आज डे 2 है और बस आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, बाय।